युवा में तो फिर दीपेंद्र हुड्डा इतनी मेहनत कर रहा है, वो सारी 90 की 90 विधानसभाओं में जा रहा है, कितना रश आ रहा है आपको पता? दीपेंद्र जी। आगे जूझ आएगा तो फिर ही है, आगे जूझ आएगा तो फिर ही पता लगेगा ना हमको। उम्मीद है दीपेंद्र हुड्डा पे, पूरी उम्मीद है 100%। राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई पेवा में खड़े हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा, हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा सरकार से दूसरा द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा से, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ माहौल लगेगा? अब हरियाणा में चुनाव नज़दीकी है, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत के लिए, ये देखिए माला की तैयारी की हुई है जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, कितना प्रभाव पड़ेगा यात्रा से? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बहुत। हाँ जी, अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा आए, आपकी बातें सुन रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे कोई नेता आता है बातें करता है? नहीं, आते तो हैं, पर मगर इसका और हिसाब है आने का, बहुत ढंग तरीका। अच्छा, फिर उम्मीद किस पे है आपकी बात? बिल्कुल, भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर उम्मीद है। ऐसा आदमी पहली बार नेता आया है जो कि हरियाणा में पद यात्रा निकाल रहे हैं, हमें इस पे पूरा भरोसा है, इस करके ये पब्लिक इसको एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब यही मांग रहे हैं, बीजेपी ने 10 साल में क्या किया है, गबलाबाजी की है। अमित शाह कह रहे हैं ये तो जुमला है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सारे सरकार चला रहे हैं, इसी चीज का हिसाब है। झूठ क्यों बोलते हैं, जो बोलते हैं सही बोलो। यहाँ से मंत्री थे संदीप सिंह जी, बेवा से जी, उनपे आरोप था यौन शोषण का महिला कोच के साथ, बीजेपी ने उनको बर्खास्त नहीं किया, फिर भी उनको मंत्री पद पे बनाए रखा था, वो गलत किया है। इसी करके तो बीजेपी पे हिसाब मांग रहे हैं, भी गलत आदमियों को ये सब आगे ला रहे हैं, सही आदमी कोई आगे लाए नहीं। फिर अब किस पे उम्मीद लग रही है आपको? हम तो पेवा से सतिंदर तिमी को कहते हैं टिकट देनी चाहिए, सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा चाहिए हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में हुड्डा साहब जी, हुड्डा साहब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हरियाणा में। अच्छा, अगर युवा की बात करें तो युवा में किसको देखना चाहोगे? दीपेंद्र जी। अच्छा, आप भी दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहे हो, बुजुर्ग भूपेंद्र का नाम झूठ, आगे झूठ आएगा तो फिर ही है, आगे झूठ आएगा तो फिर ही पता लगेगा ना हमको। उम्मीद है दीपेंद्र हुड्डा पे, पूरी उम्मीद है 100%। 100% दीपेंद्र जी। हाँ जी, कांग्रेस सरकार कुछ काम ही नहीं किया। देखो, भूपिंदर सिंह हुड्डा की देख रेख में जे ड्रेन है उसका मुस्तापुर तक पत्थर लगवा दिया है, हॉस्पिटल बनाया, गर्ल्स स्कूल बनाया, बस स्टैंड बनाया, जो सब कांग्रेस की देन है। ये हिमालय स्कूल से जो ड्रेन के ऊपर सड़क जाई है वो भी इनकी देन है, कांग्रेस की देन है। सरस्वती का काम कराया पेवा सरस्वती का, बहुत बढ़िया ढंग से काम करवाया, जो कि इतना नरक था जो कि अब बहुत सुधार है। ड्रेन के साथ पानी ऐसे चल रहा है जैसे हरा पानी, बिल्कुल राइट। और नालियों को बहुत साफ कराया है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ बीजेपी ने काम नहीं किया? भूपिंदर हुड्डा काम, भूपिंदर सिंह नहीं, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं, काम करा। ट्रेन वाला पुल देख लो, जो बीजेपी का पुल है, संदीप सिंह ने कोई दिखाओ क्या काम है जी, सरकारी पुल है आने जाने के शहर का, वो नहीं है क्या काम? हुड्डा राज में जैसे पानी नहरों का पानी खूब आता था, बहुत काम करे हुड्डा में सरकार, लाइट बहुत रही है। खुद जिम्मेदार ने बोला, कह रहे हमारे बोर अब बंद होने को इतनी लाइट चली है, बहुत लाइट चली है हुड्डा की सरकार में। जनता बदलाव चाहती है भाई साहब, बदलाव चाहती है। अब संदीप सिंह की आपने बात की, संदीप सिंह ने क्या किया, गुरुद्वारों वाले बाबों ने कहा अभी हम 2 महीने के अंदर पुल बना देते हैं, अब 2 साल हो गए हैं। जो पेवा की जनता, जो ट्रेन के परले पार जो भी साथी, जो भी गाँव है, इतने दुखी हैं हद से ज़्यादा। तो अब किस पे भरोसा लग रहा है, किस पे उम्मीद है? दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा पे, कांग्रेस पे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपिंदर सिंह जिंदाबाद, सतेंद्र सिंह संधु टिम्मी जिंदाबाद। दिल की आवाज क्या, किसको सीएम देखना चाहते हो आप? सीएम देखो जी, युवा में दीपेंद्र जी हैं और दीपेंद्र जी बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल पक्की बात, और लगा रहे हो आप तो बिल्कुल ठोक के जी। मेन जो काम रहा ना पिछले 5 सालों में, आप भी देखो भ्रष्टाचार कितना हुआ, कमेटी में भ्रष्टाचार, काम करने जाओ 5-5 लाख रुपए, 1-1,50,000 ऐसे ही वहाँ हुआ, तहसील में काम भ्रष्टाचार से घर भर लिया मंत्री ने। बीजेपी वाले तो ये बोल रहे हैं हुड्डा करता था भ्रष्टाचार, पैसे में कमाल है, वो तो सबको दिख रहा है। एक ट्रैफिक की समस्या नहीं इनसे दूर हुई, एक ड्रेन का पुल ही नहीं बना इनसे, घर भर लिया, ऐसे ऐसे लगे थे इन हाथों से कमाने, भाई दोनों और साथ में बापू।
बिल्कुल ये बात सुनो, आपने बात छेड़ी उसकी, क्या नाम, यौन शोषण की, संदीप सिंह की। कोई बंदा उसकी फेसबुक पे फोटो डालता है साथ, हजार 100 लाइक आते थे, 200 200, कोई फोटो नहीं, कोई चाय नहीं कर रहा उसकी, कोई पानी नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? आपने लोगों के साथ अन्याय किया है, चाहे वो बीजेपी वाले थे, उनके साथ अन्याय किया। अच्छा, नायब सैनी को बनाया था, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो झूठी घोषणाएं हैं, ये तो लोग समझ रहे हैं, अभी वो समझ रहे हैं अभी, इलेक्शन से पहले ऐसा क्या हो गया? तुम 10 साल सोते रहे, नौकरियों के बारे में तुमने क्या किया क्या नहीं किया, सारी जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, कुछ नहीं है, पेवा नहीं, हर हरियाणा में भ्रष्टाचार है। अब उम्मीद किस पे है, कौन करेगा? उम्मीद तो कांग्रेस से ही है हमें। हाँ, सीएम किसको देखना? सीएम तो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ही आएंगे, कोई शक तो युवा में तो फिर दीपेंद्र हुड्डा, इतनी मेहनत कर रहा है वो, सारी 90 की 90 विधानसभाओं में जा रहा है, कितना रश आ रहा है आपको पता है। कभी मिले हो दीपेंद्र हुड्डा से? मैं नहीं मिले। अच्छा, मैं नहीं मिले ना, मिले मिले ना मिले, हमारे दिल में है कांग्रेस, बस कांग्रेस को देंगे वोट। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी। अच्छा, मूछ तो पूरी सेट कर रखी है, सरकार भी सेट करोगे? सरकार तो सेट होगी जी। अच्छा, किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की, या बीजेपी बोल रही तीसरी बार अब सरकार बनाएगी? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, क्या काम करा इन्होंने? कुछ भी नहीं, ये रैनी देख लो आप, 2 साल से लटकी पड़ी है, 3 साल से कोई काम नहीं किया इन्होंने, लूट खसोट का काम किया है मंत्री ने, यहाँ कोई काम नहीं किया। अच्छा, फिर अब किस पे उम्मीद लग रही है, कौन आएगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बना रहे हो? सीएम बना रहे हैं सीधा जी, कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं वो, सबको सबको साथ मिलकर चल रहे हैं। यात्रा का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, बिल्कुल पड़ेगा, कांग्रेस आ रही है और आ चुकी है समझो। अच्छा, हाँ ये आप देखो कितना रश है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, टिम्मी भाई जिंदाबाद। नौकरी नाकरी मिली ना? अच्छा, फिर क्या उम्मीद लगा? बीजेपी तो कह रही है वो नौकरियां दी है अपने, कड़ा दी है नौकरियां। अच्छा, धक्के खा रहे हैं लग दो, धक्के खा रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी ना? हाँ, विदेश जाने की तैयारी है। अच्छा, और फिर अब किस पे उम्मीद लगा, कौन? बस कांग्रेस पे ही उम्मीद है।